नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी आज आप देख रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले, नीले टोपी वाले राष्ट्रीय लोकदल ये जो अलग अलग रहते थे, ये तमाम एक हो गए। मेरे दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, ये तमाम लोग विकास के मामला पर अलग अलग अपनी बात कहते थे, लेकिन काम ये था कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसने यहाँ की जो सरकारी जो यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को खत्म करने का काम शुरू कर दिया। आरबीआई के अंदर नोटबंदी करके पूरे देश को गरीबी और अफलास के रास्ते पर ढकेलने का काम किया। सीबीआई डायरेक्टर को जिस तरीके से उसे गुमराह किया गया, जिस तरीके से उसके ऊपर लांछन लगे, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाई मांग रहे हैं, आम जनता से अपील कर रहे हैं कि ये कौन सी सरकार है जिस सरकार ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को चूर कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। मेरे दोस्तों इस वजह से ये लाल टोपी, नीली टोपी और राष्ट्रीय अलग लोकदल और तमाम गठबंधन के लोगों को एक साथ आना पड़ा, इसलिए कि आज मामला पार्टियों का नहीं है, आज मामला संविधान का है, आज मामला देश की बका का है, देश की तहफ्फुज का है, देश की सलामती का मामला है। इसलिए कि अगर देश नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो हमारी कोई वजूद का काम नहीं कर सकता, हम सलामत नहीं रख सकते। इसलिए तमाम पार्टियां इकट्ठा होकर के, और मेरे दोस्तों आज आपको फख्र होना चाहिए कि आज आपका ये शेर हाजी याकूब कुरैशी, जिसकी ललकार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे एशिया हिंदुस्तान से बाहर निकल करके पाकिस्तानी दिखाती है। मेरे दोस्तों आज आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मायावती, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने गठबंधन का प्रत्याशी बना करके मेरठ की आवाज को आवाज देने के लिए, युवा नौजवानों को आवाज देने के लिए, यहाँ के बुजुर्गों की पुकार को सुन करके पार्लियामेंट तक आपकी आवाज को उठाने के लिए हाजी याकूब कुरैशी को आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। मेरे दोस्तों आज आप पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर मेरठ की तरफ है। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचार की शुरुआत इसी मेरठ में योगी और मोदी ने की है। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो गांधी के कातिल हैं, जो देश के बापू के कातिल हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ लेकर के नफरत के को मिटा करके मोहब्बत के साथ चलने के लिए 70% से ज्यादा की आवाम हिंदुस्तान की तैयार है। एक तरफ गांधी के कातिलों को आपको जवाब देना है कि मेरे दोस्तों तुम सुन लो, तुम हिंदुस्तान के कातिल कल भी थे, आज भी हो, और उस आवाज के साथ आपको आवाज मिला करके भारतीय जनता पार्टी को आपको यहां से खत्म करने का काम करना है। यही अपील लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे कहने आया हूं। मेरे दोस्तों इलेक्शन की बातें पर तकरीरें होती हैं, भाषण होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है वोट डालने का तो हम अपने वोटों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, चाय खानों पर, चौराहों पर हम हंगामे करते हैं, तरह तरह की बातों में आग उलझ करके हम जो काम हमको वोट डालने का होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्तों आप बिजनेस करते हैं, आप तजारत करते हैं, आपके मामला उन तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से है, उन तमाम को एक साथ इकट्ठा करके अखिलेश यादव जी के पैगाम को लेकर के, बहन कुमारी मायावती के पैगाम को लेकर के, राष्ट्रीय लोकदल के उस पैगाम को लेकर के, तमाम समुदाय को इकट्ठा करके आपको हाथी के चुनाव निशान पर आने वाली 11 तारीख को वोट डालने का काम करना है। और हिंदुस्तान मेरे दोस्तों इतना जो भाई को भाई से लड़ाने का सबक दे, जो भाई को भाई से लड़ाने का सबक दे, उन सारी किताबों को समंदर में बहा दो, मिट जाएगा इस दौर से नफरत का अंधेरा, हड़मों पे एक दीप मोहब्बत का जला दो। मोहब्बत के पैगाम के साथ तमाम के तमाम लोग इकट्ठा होकर के हाजी याकूब कुरैशी, शेर हिंदुस्तान और गांव के
क्षेत्र से तस्वीर लाए हैं, चलीकोट की क्षेत्र की जानी से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के भाई आदिल चौधरी साहब यहाँ तस्वीर फरमा है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा आदिल चौधरी साहब आए, समाजवादी पार्टी के सदर मेरठ के आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आदिल चौधरी साहब इंसान के खूबसूरत जलसे के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई मेरठ का पूर्व लोकसभा के उम्मीदवार आदि यादव जी बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई सचिन भाई यहाँ उपस्थित, आदित्य नाथ साहब, अब्बास भाई, इमरान भाई, चांद भाई, सचिन भाई और साहिब तैयार साहब और सभी मेरे बुजुर्गों दोस्तों और साथियों, देखो मेरे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सेंट्रल में और सूबे में, आज आप देख लीजिएगा इन लोगों ने क्या हाल कर रखा है। ये लोग भूल गए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश में 200 साल हुकूमत की है, तो मैं इनके लिए इनकी नजर एक देर करता हूँ। इतने कमजोर है गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने रूट पे आते हैं अपनी औकात मिल जाते हैं। तो मेरे भाइयों हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमने इस देश में 200 साल राज किया है और ये 5 साल जो इन लोगों ने किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये कभी जिंदगी में भी सरकार में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हमारी 5 साल की सरकार में आप देखो इनके 4 विधायक थे, इन लोगों ने हमारी सरकार में जरा सा भी भेदभाव का काम नहीं किया। हमने जो एक अपनी सरकार में हॉस्पिटल पास कराया था 50 बेड का और 24 करोड़ की लागत से, ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस सरकार ने उस हॉस्पिटल को बनने नहीं दे रही। तो मैं यही कहूंगा कि ये सरकार चाहे बिजली के नाम पर हो और विकास को इन्हें खत्म ही कर दिया 2 साल के अंदर, किसी मुस्लिम इलाके के अंदर और दलित बस्ती में एक ही सरकार ने लगाई। जब हमारी सरकार चल रही थी जगह जगह विकास हो रहे थे, गरीब महिलाओं को पेंशन मिल रही थी, 55 लाख महिलाओं को भाई सरकार ने पेंशन दिया, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया, तो ये सरकार थी। आज ये सरकार हिंदू और मुसलमान की बात करती है, आपस में हिंदू और मुसलमानों के वोट करती है। मैं ये कहूंगा आपने कि आप हाजी याकूब साहब को 1 वोट दे और 11 तारीख को इनको जिलाए, क्योंकि एक गठबंधन के उम्मीदवार है, इंशाल्लाह ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। सब लोग सुनते लाइन में लग जाए और 1 वोट हाजी याकूब को दे, इंशाल्लाह मैं यही कहूंगा कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। आज समाजवादी पार्टी पत्ता लोकतंत्र एक है और सब लोग, मैं कहता हूँ तो हिंदू मुसलमान सब लोग है, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने वादे किए थे कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, किसानों की उपज का 14 दिन में हम भुगतान कर देंगे, ना किसी को नौकरी मिली, ना किसानों का भुगतान हुआ करने का, ना 15 लाख खाते में आए। तो ये झूठे लोग है मेरे भाइयों, इस पे हमें चौकस रहना है और इनको हराना है, और ये जाते चले थे 2 सीट पर, इनको वहीं पहुंचाना है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, खुदा कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वसीम उर्फ बंटी, अनिल भैया, अयाज भाई, अनुज चौहान साहब, शहजाद आसिफ साहब, सलमान साहब, सोनू दिल साहब, साकिर कुरैशी, अल्लू भाई कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका इमरान याकूब साहब अपने विचार रखे, हमारे बीच में हाजी सराज साहब की तस्वीर रखते हैं, 2 मिनट हाजी सराज साहब को भी देना चाहता हूँ, हाजी सराज साहब भी वोट की अपील करेंगे। हाजी जी आपसे आज इस अजीबो शान के जलसे के सामने मोहतरम आली जनाब आली सईद साहब, हमारे और आपके करोड़ों की धड़कन हिंदुस्तान का
बाहर के मुल्कों में भी अपना नाम कमाने वाले हमारे प्रत्याशी भाई आपू साहब, पूर्व मंत्री हमारे भाई अब्बास साहब, मंच पे बैठे हुए सारे हमारे नेतागण, हाजी इमरान साहब, हाजी गुरु साहब संचालन कर रहे हैं, हमारे सही सच्ची साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये चुनाव चुनाव नहीं, ये जंग है बीजेपी की, ये बीजेपी से जंग है हमारी, और इस जंग को जीतना हमारे अलाप के हाथ में है। ये जंग ऐसी जंग है कि अगर हमने इसमें जरा सी कोताही कर दी, जरा सी गफलत बरत दी, तो बहुत पछताना पड़ेगा। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि आने वाली 4 तारीख को सुबह अपनी बहन बेटियों को साथ ले जाकर वोट डलवा कर महल्ले की सारी वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। एक हाजी तुफैल साहब, एक मिनट में आपसे अपील करेंगे। आपके हर दिल अजीब हाजी सरार सैफी साहब, हाजी आदिल चौधरी साहब, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंच बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब, आपके बीच बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने और चौधरी अजीत सिंह जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा। मैं तीनों नेताओं का धन्यवाद अदा करता हूं और आपका भी लहजे से धन्यवाद अदा करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं जो मेहनत की सरजमी पर ये कायदे मिल्लत के मेरे कयूर मुसलमानों, आज वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को नस्ते नबूद करने के लिए आप लोग मुत्तहिद होकर 11 तारीख को मेरठ की सरजमी से पैगाम देने के लिए मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त करने के लिए हमले वाला बटन दबा दो और मेरठ में जो भारतीय जनता पार्टी ताकत की बुनियाद पर राजनीति कर रही है, आप देख रहे हैं जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर आई है, जब से झूठे वादे खोखले वादे करकर हिंदुस्तान की जनता को सबसे दिखाए थे कि हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के अच्छे दिन लेकर आएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हमारी सरकार नौकरियां देगी और किसानों को कर्जे की माफी करेंगे। नोटबंदी कर हम लोगों को लाइन में लगाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। GST लगाकर व्यापारी को महंगा व्यापारी को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब वक्त आ गया है ऐसी फिरका परस्त मंसूबे रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को इंशाल्लाह हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए मेरठ की गयूर कोई नहीं। और मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं, क्योंकि हम लोगों को इस बार समझदारी से फैसला लेना है।
जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, आपस में जो हम लोगों का भाईचारा खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसे हम लोग मुत्तहिद होकर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग पर्सन तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि ये महागठबंधन 65% वोट में आप लोग लड़ रहे हैं और 35% में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं, हम लोगों को ग्राम पे काम करने की जरूरत है। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जो आप घर के लोग, परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग अपनी एक एक वोट वोटर लिस्ट में चेक कर लें किस बूथ पे आपकी वोट है, पहले से आप लोग पहचान पत्र क्या क्या आई प्रूफ आपके वोट के लिए आएंगे, पहले से इंशाल्लाह आप लोग तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब कराने का आप लोग काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ और दुआओं की दरखास्त करता हूँ और मैं ये आपसे यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बनाया ताजपुर की बुनियाद पर, इसे आप लोग खत्म करने के लिए प्यार मोहब्बत से, प्रेम भाईचारे से इसे खत्म करने का काम करेंगे। और अब मैं आपसे एक और अपील करता हूँ, 8 तारीख में बहन कुमारी मायावती जी, चौधरी अजीत सिंह और माननीय अखिलेश यादव भावी पुलिस स्टोर के सामने आ रही है, आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, गठबंधन को मजबूत करें, अपने भाईचारे को मजबूत करें, किसानों की एकता की सरजमी से भारतीय जनता पार्टी जो नफरत और जहर फैलाने के मंसूबे रखती है इसकी जमानत जब्त कराने के लिए पोलिंग कर दो, हाथी के सामने वाला बटन दबा दो। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद आप लोग इस बार जज्बात में अंदर आकर समझदारी से फैसला करेंगे और एक सेंट के साथ में अपनी बात को छूने वाले अब हो जाएगा तुझे अपने हैसियत का अंदाजा जब जमीन तेरे पैरों से खिसक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।